नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके और हमारे चैनल पाप ब्लॉग्स में। हूँ कैसे छत्तीसगढ़ से, और आज एक बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आपके बीच में हूँ। आई होप यार आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है यार कि रेड कलर का जो बटन दिख रहा है ना, उसको आपको क्लिक करना है, और वहाँ पर जो बेल आइकन होगा प्रेस करने के बाद आपको दिखेगा, तो उसको भी आप ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप अंदाज़ा लगा चुके हैं कि आज वीडियो किस बारे में बनने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूँ, भगवान का ये जो दिया गया वो हमें शरीर है, हमारे फीचर्स है, वो इतने खूबसूरत होते हैं कि हमें उस पर प्राउड करना चाहिए। लेकिन अगर हम थोड़ा सा शार्पली और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हुए, अगर अपने बॉडी के अनुरूप अगर हम अपने क्लोथिंग डिसाइड करते हैं, तो हमारी जो पर्सनालिटी है ना, वो निखर के और सामने आती है। तो जिन भी बहनों की, जिन भी दोस्तों की हमारी थोड़ी छोटी है, थोड़ी सी छोटी है, तो वो किस तरीके के कपड़े जो है, कुर्ती के बारे में बात कर लेते हैं आज, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कि किस तरह की कुर्ती वो अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं यार टिप नंबर वन की तरफ। और टिप नंबर वन है कि जब भी आप कुर्ती सेलेक्ट करेंगे तो उसका जो पैटर्न है ना, वो वर्टिकल स्ट्रिप्स में रखिए। ये क्या है, देखने में भी लंबी लगती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में क्या है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि पहले ये दिखती कैसे है और क्या इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स। तो ये देख पा रहे होंगे आप वर्टिकल स्ट्राइप्स वाले ड्रेसेस, और आप ये चाहे तो किसी के साथ भी वेयर कर सकते हो। आप प्लाजो यूज़ कर सकते हो, आप चूड़ीदार पजामी यूज़ कर सकते हो। और अगर हम बाजुओं की बात करें तो 3/4 या फुल लेंथ जो है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ताकि हमारी जो बाजुएँ हैं वो थोड़ी और लंबी लगे। तो देखा आपने कि किस तरीके से इसकी स्पेसिफिकेशन है और किस तरीके से आपके ऊपर काम करेगी। दूसरा है कलर, कलर रेड, ब्राउन, ब्लैक, पर्पल, यानी कह सकते हैं डार्क कलर आप जितना यूज़ करोगे ना, उतना ज़्यादा ये फीचर जो है वो आपके ऊपर ज़्यादा नज़र आएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप डार्क कलर सेलेक्ट करें, लेकिन कई लोगों को ये पसंद नहीं होता है, तो उन लोगों के लिए अगर आप लाइट कलर चूज़ करते हैं तो क्रीम कलर हो गया या आइवरी कलर हो गया, इसमें भी आप जो है थोड़े लंबे नज़र आ सकते हैं। तो जैसे हम कलर की बात करते हैं, तो कलर में ब्लैक, ब्राउन, रेड, पर्पल, ये सारे कलर जो है वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और ज़्यादा यानी डार्क कलर ज़्यादा प्रीफर किए जाते हैं। चलिए टिप नंबर टू की बात करते हैं। टिप नंबर टू है कि जब भी आप कुर्ती सेलेक्ट करें तो आप हमेशा मोनोक्रोम जो पैटर्न होता है उसको यूज़ करें। अब वो क्या होता है, चलिए आप मेरे साथ और फिर देखिए मोनोक्रोम होता है। ये देखिए, ये है मोनोक्रोम पैटर्न। अगर हम एक ही कलर ऊपर से लेकर नीचे तक पहनते हैं, जैसे जंप सूट में हम पहनते हैं, तो उस तरह के पैटर्न को बोलते हैं हम मोनोक्रोम पैटर्न। तो इस तरह के कलर, तो ये देखिए कुछ इस तरह के कलर भी जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं, दोनों जगह एक, दोनों साइड एक ही जैसा कलर चूज़ करना। ये देखिए, तो टिप नंबर थ्री है मेरा, जब भी आप नेक डिज़ाइन तो कोशिश करिए कि आपका वी नेक हो। वी नेक में क्या होता है, हमारी जो नेक है वो थोड़ी सी लंबी नज़र आती है, यानी यहाँ के जो फीचर्स है वो खुल के सामने आते हैं, बाकी में थोड़ा सा दब जाता है। या फिर चाइनीज कॉलर होता है, वो उससे भी अगर हमारा शोल्डर चौड़े हैं तो चाइनीज़ जो कॉलर है वो भी अच्छा अच्छा सूट करता है। यानी कोशिश करिए आप कि वी नेक प्रेफरेंस दीजिए, अगर आप चाहते हो कि आप थोड़ा सा टॉल एंड कॉन्फिडेंस नज़र आए। तो ये इस तरह का कुछ वी शेप नेक है फ्रंट की साइड, जो कि जिससे हमारी जो नेक एरिया है वो थोड़ा लंबा दिखता है, तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हो। और इस तरह का पैटर्न देखने में भी अच्छा लगता है, पहनने में भी अच्छा लगता है, और जो हमारा मेन पर्पस है अपने हाइट को लंबा दिखाने का, वो भी पूरा हो जाता है। तो दोस्तों, आखिरी टिप मेरी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब भी आप कुर्ती बाय करें तो कोशिश ये करिए कि वो लॉन्ग हो, लंबी हो। उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि आपकी जो लेंथ है वो ज़्यादा नज़र आएगी, तो जिस कारण आपका जो पर्पस था वो सॉल्व होगा। तो आई होप दोस्तों ये वाली वीडियो जो है आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रही होगी। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम बहुत सारी बातों का ध्यान रख सकते हैं, लेकिन अगर आप ये छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी ये टिप्स सारी।
और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।